हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना गैस चलाए इंस्टेंट दही भल्ला कैसे बनाएं, वह भी इतना सॉफ्ट कि मुंह में घुल जाए। ये देखिए, ये भल्ला मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई की तरह, और ऐसा कि मुँह में घुल जाए। रेसिपी इतनी आसान कि छोटा बच्चा भी बना ले। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं ड्यू क्रेडिट देना चाहूँगी मास्टर शेफ संजीव कपूर को, जिनका ये आइडिया है। मैंने कुछ साल पहले ये दही भल्ले एक पार्टी में खाए थे, और वहाँ पर जिसने ये बनाए उसने बताया कि उसने ये रेसिपी मास्टर शेफ संजीव कपूर की किसी बुक में से ली है। वो बुक तो मुझे आज तक कभी मिल नहीं पाई, और ना ही मैं इंटरनेट पर वह रेसिपी ढूंढ पाई, लेकिन मैंने उसी आइडिया के अराउंड ये रेसिपी बिल्ड करी है। तो पूरा क्रेडिट है मास्टर शेफ संजीव कपूर को इस बेहतरीन आइडिया के लिए। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इंस्टेंट दही भल्ला। दही भल्ला बोले या दही वड़ा, थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है रेसिपी में, जो कि मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इस रेसिपी में हम कुछ स्टेप्स कम्प्लीटली ही स्किप कर देंगे। ना हमें दाल भिगोनी है, ना ग्राइंड करनी है, ना ही उसे तलना है। हम भल्ले बनाएंगे इन बिस्किट्स से। ये हैं जीरा बिस्किट्स। देखिए, लगते हैं ना बिल्कुल भल्ले की तरह, तले हुए भल्ले की तरह। बिस्किट्स होते हैं बेक्ड, तो यह टेंशन भी नहीं है कि हम कुछ फ्राइड खा रहे हैं। खाने में होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट। और यह है इन बिस्किट्स की पैकिंग। जीरा बिस्किट्स हैं सूरती जीरा बिस्किट्स, दीप कंपनी के हैं। आपको जिस कंपनी के भी मिल जाते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि इसी तरह के बिस्किट्स बेकरीज में भी मिलते हैं, जैसे बटन बिस्किट के नाम से बुलाया जाता है। आप अपनी लोकल बेकरी में भी चेक कर सकते हैं इन बिस्किट्स के लिए। हम जब ट्रेडिशनल तरीके से भल्ले बनाते हैं तो हम गरम गरम भल्लों को पानी में डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमने वही करना है इन बिस्किट्स के साथ। इन बिस्किट्स को करेंगे पहले माइक्रोवेव में गरम। सारे ही बिस्किट्स बराबर गरम हों एक जैसे, उसके लिए हम इन्हें प्लेट में इस तरह से लगा देंगे। प्लेट के बीचों बीच कोई बिस्किट नहीं रखेंगे, और सारे बिस्किट्स का डिस्टेंस सेंटर से बराबर का ही रहेगा। अब इन्हें गरम करना है सिर्फ 40 सेकंड के लिए बस। यहाँ मैंने एक बोल में पानी लिया है। पानी है रूम टेम्परेचर पर। अगर पानी आपका ज़्यादा ठंडा है तो उसमें हल्का गुनगुना पानी मिलाकर उसे नॉर्मल कर लें। और इस पानी में मैं डाल दूंगी हमारे ये गरम बिस्किट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गरम गरम भल्लों को पानी में सोक करने के लिए डालते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है और आप बिस्किट नहीं गरम कर पा रहे, तो आप पानी गरम ले लीजिए। उबलता हुआ पानी मत लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का गरम पानी ले लीजिए और उसमें बिस्किट डालिए। पर उस केस में आपको बिस्किट्स को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, बीच में हिलाने पड़ेंगे। जो तरीका मैं दिखा रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से ये बिस्किट्स सोख हो जाते हैं। और अभी आप देखेंगे, ये देखिए, कुछ बिस्किट्स ऑलरेडी सोख हो गए हैं, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो हैवी होकर नीचे बैठना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अब सिर्फ 2 से 5 मिनट तक लगेंगे इन बिस्किट्स को सॉफ्ट होने के लिए। कोई बिस्किट 2 मिनट में भी हो जाएगा, कोई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेगा। जब तक ये बिस्किट्स सोख होते हैं, दही को रेडी कर लिया जाए। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, दही काफ़ी गाढ़ी जमी हुई है। इस दही को पहले मैं थोड़ा फेंट लूँगी। फेंटने से दही हो जाती है बहुत ही लाइट और स्मूद। अभी 4 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये सभी बिस्किट्स सॉफ्ट हो गए हैं। अब हर बिस्किट को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में मैं ऐसे प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ कर दूंगी। ध्यान से करना है, बिस्किट टूटे नहीं। इन बिस्किट्स को एक्स्ट्रा टाइम के लिए पानी में सोक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बिस्किट पानी में धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाएगा। अगर स्क्वीज़ करते टाइम आपको लगता है कि बिस्किट के कुछ पोर्शन में कड़ापन रह गया है, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, पर अगर आपको लगता है कि कहीं कड़ापन है, तो आप बिस्किट का वो हिस्सा निकाल दें, उसे दही में ना डालें। मैं इसी तरह से इन सभी बिस्किट्स का पानी, एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ आउट कर दूँगी। ये बिस्किट लग रहे हैं ना बिल्कुल रियल भल्ले, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। बिस्किट्स का थोड़ा सा ऑयल पानी में निकल गया है, बढ़िया सी ही बात है। अब दही भल्ले को कर लेते हैं असेंबल। ये देखिए, ये फेंटा हुआ दही है। अभी रेसिपी के इस पार्ट के लिए मुझे दही चाहिए थोड़ा सा पतला। अगर आपका दही इस तरह की कंसिस्टेंसी का नहीं है, ये देखिए इतना पतला, तो आप बेशक थोड़ा सा दूध डाल लें या पानी डाल लें और दही को पतला कर लें। क्योंकि होगा क्या, जब हम भल्ले इस दही में सोक करेंगे, डुबो कर रखेंगे, तो भल्ले इसमें से काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वे एब्जॉर्ब करके काफ़ी फूल जाएंगे, डबल साइज़ के हो जाएंगे। तब हमारा दही अपने आप से ही गाढ़ा हो जाएगा। अब जिस सर्विंग बोल में डालना है, उसमें मैं पहले नीचे थोड़ा सा दही डाल दूंगी।
इससे फ़ायदा ये होता है कि भल्ले बॉटम से भी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बस करना क्या है, इन सभी बिस्किट्स को जिनको हमने स्क्वीज़ किया था उन्हें इस बोल में प्लेस कर देना है दही के ऊपर। थोड़ा सा दही अब इन भल्लों के ऊपर से भी डाल देते हैं ताकि हर तरफ से ही हर भल्ला ही दही के अंदर बीच में डूब जाए और हर तरफ से वह पानी सोख कर लेगा और फूल जाएगा। मेरा दही काफ़ी मलाईदार था तो बीट करने के बावजूद भी मलाई के छोटे छोटे टुकड़े रह ही गए हैं। आप जब दही को फेंटेंगे तो ज़रा इस बात का ध्यान रखें कि वह बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि भल्लों के हिसाब से मैंने दही बहुत ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन आप कुछ ही देर में देखेंगे ये भल्ले दही में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे और काफ़ी फूल जाएंगे और उस टाइम पर दही की क्वांटिटी भी सही हो जाएगी और कंसिस्टेंसी भी। मैं इसे अभी कवर करके फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे के लिए ताकि ये सब चिल हो जाएं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले और टॉपिंग्स और फिर सर्व कर सकते हैं। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब देखिए हमारा ये बोल, भल्ले कितने फूल गए हैं। और ये कंपैरिजन के लिए दोनों पिक्चर्स बिफोर और आफ्टर की, आप देख सकते हैं कि भल्लों का साइज डबल से भी ज़्यादा हो गया है और दही जो कि हमने बहुत पतला पतला डाला था अब देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम दही भल्लों के लिए चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से या तो पूरे बोल को ही गार्निश कर लें या फिर बोल इसी तरह से सर्व करें और गार्निश का सारा सामान साथ में सर्व करें ताकि सभी अपनी पसंद के हिसाब से टॉपिंग्स चूज कर सकें। मैं अभी एक भल्ला निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल मलाई की तरह कट हो रहा है ये, और ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है, जैसे कॉटन बॉल होती है इतना सॉफ्ट है ये। यह भल्ला मुंह में ही घुल जाता है। खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल ही ट्रेडिशनल भल्ले की तरह है, एज इफ आपने बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट भल्ला बनाया है, बिल्कुल स्क्रैच से मेहनत करके बनाया हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि यह तो है बिल्कुल इंस्टेंट। तो चलिए अब भल्ले को सर्व करने के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ मैं प्लेट में ले रही हूँ एक सर्विंग के लिए दो भल्ले। पहले मैं दिखा रही हूँ जिस तरह से नॉर्थ में सर्व होता है, जिसे एक्चुअली में दही भल्ला बोलते हैं, साउथ में दही वड़ा बोलते हैं। इसे आप एपेटाइजर की तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर मेन कोर्स का पार्ट। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा फेंटा हुआ दही। इस दही में मैंने थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर भी मिलाई हुई है, वैसे पाउडर्ड शुगर ऑप्शनल है, आप अगर नहीं चाहते तो बेशक ना डालें। इसके ऊपर स्वाद अनुसार सौंठ यानी कि खट्टी मीठी चटनी, यह इमली और खजूर की चटनी है। इसके ऊपर हरी चटनी स्वाद अनुसार, साथ में डालेंगे नमक मसाले तो थोड़ा सा सफ़ेद नमक। बिस्किट में नमक पहले से ही है तो आपने नमक सिर्फ दही के लिए डालना है। साथ में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, चाहे तो स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर भी डाल लें। और इस पर मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। इसी दही भल्ले को चाट की तरह भी सर्व किया जा सकता है, उसके लिए आप साथ में यूज़ करेंगे एडिशनल टॉपिंग्स। मैंने लिया है सफ़ेद चना उबला हुआ, थिन सेव, उबले हुए आलू, धनिया कटा हुआ, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, फेंटा हुआ दही और साथ में नमक मसाले, ताकि टॉपिंग्स के हिसाब से आप नमक मसाले भी ऐड कर सकें। आप सीज़न के हिसाब से वैरायटी भी ला सकते हैं टॉपिंग्स में। देखिए इस प्लेटर में मैंने अनार के दाने भी डाले हैं और साथ में ग्रीन ग्रेप्स को मैंने काट के भी डाला हुआ है। अब देखते हैं यही बिस्किट्स दही वड़े किस तरह से बन सकते हैं। इस बोल में आप पहले तो डाल लें अपने पसंद के सारे नमक मसाले, चटनियाँ जो डालना चाहते हैं, और उसके ऊपर से आप लगाएं तड़का। थोड़े से तेल में सौटे करें मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च। उस टेम्परिंग को कर दें इस पर स्प्रेड, तैयार हो जाएगा आपका दही वड़े का बोल। दही वड़े के साथ सर्व की गई फेंटी हुई दही में पाउडर्ड शुगर ऑप्शनल नहीं है, वह आप ज़रूर डालें, हमेशा ही होती है दही वड़े। फ्रेंड्स कैसे लगा आपको यह वीडियो और यह आइडिया? बहुत ही यूनिक आइडिया है बिस्किट से इंस्टेंट दही भल्ले बनाने का। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें और पूनम्स किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।